हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबीआर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट बायोलॉजी को, आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बेसिक लेक्चर को इसमें देखेंगे हम। व्हाट इज़ इकोलॉजी, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोलॉजी क्या होता है। तो व्हाट इज़ इकोलॉजी, द वर्ड इकोलॉजी वॉज द फर्स्ट यूज बाई जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑर्नेस्ट हैकर इन 1869। तो सबसे पहले वर्ड किसने यूज़ किया था इकोलॉजी, जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑर्नेस्ट हैकर ने 1869 में। ठीक है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओलिकोस, मीन्स हाउस ऑफ डेवलिंग प्लेस। डेवलिंग प्लेस का मतलब होता है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता हो। ठीक है, लॉग्स मीन्स स्टडी ऑफ। ठीक है, हैकल्स डिफाइंड इकोलॉजी एज स्टडी ऑफ नेचर इन्वायरमेंटल इंक्लूडेड द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म टू वन एंड अदर एंड टू देयर सराउंडिंग। तो हैकल्स ने कहा था जो ऑर्गेनिज्म है उसको इंट्रैक्शन अदर ऑर्गेनिज्म के साथ और इन्वायरमेंट के साथ, इसी की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हैकल्स ने क्या कहा था, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी, उसका जो इंट्रैक्शन अदर ऑर्गेनिज्म के साथ और इन्वायरमेंट के साथ में, इसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी को डिफाइन करते हैं, इकोलॉजी को अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, व्हाट इज़ ए इन्वायरमेंट। अब हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो द टर्म इन्वायरमेंट एटाइमोलॉजिकली मीन्स सराउंडिंग। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का मीनिंग होता है सराउंडिंग, मतलब कि चारों तरफ। इट इज़ इंक्लूडेड एवरी थिंग्स बायोटिक एज वेल एज ए बायोटिक दैट सराउंडेड एन ऑर्गेनिज्म। जो भी बायोटिक और एबायोटिक है ऑर्गेनिज्म के चारों ओर, जितनी भी चीज़ें बायोटिक और एबायोटिक इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्म है, इसके चारों तरफ एबायोटिक और बायोटिक होगा। ठीक है, इसके चारों तरफ। उसके बाद ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट आर डायनेमिक एंड इंडिपेंडेंस। ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट आर डायनेमिक एंड इंडिपेंडेंस। इसमें क्या होता है कि कभी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कभी टेम्परेचर कम होगा, तो इस तरह के इन्वायरमेंट को हम क्या कहेंगे, डायनेमिक कहेंगे। ठीक है, कभी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कभी टेम्परेचर कम होगा, इस तरह के इन्वायरमेंट को हम क्या कहेंगे, डायनेमिक कहेंगे। जैसे कि कभी बरसात होती है तो कभी, मतलब कि गर्मी हो ज़्यादा होगी तो कभी ठंड होगी, तो इस तरह के मौसम को हम क्या कहेंगे, डायनेमिक कहेंगे। ठीक है, एनी फैक्टर्स बायोटिक और एबायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक दैट इन्फ्लुएंस लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और इकोलॉजिकल फैक्टर और इको फैक्टर्स। तो जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो भी फैक्टर्स है बायोटिक और एबायोटिक, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, प्रभावित करता है। जो भी फैक्टर्स है एबायोटिक और बायोटिक हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, प्रभावित करता है उन फैक्टर्स को। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इकोलॉजिकल फैक्टर और इको फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब एबायोटिक फैक्टर्स में देख लेते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर्स में लाइफ इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, इसमें लाइफ इन्वॉल्व नहीं होती। इसके अंदर क्या क्या आता है, टेम्परेचर आएगा अमाउंट ऑफ सनलाइट आएगा, पीएच ऑफ वाटर, सॉइल आएगा। ठीक है, इसके अंदर लाइफ इन्वॉल्व नहीं होती एबायोटिक फैक्टर्स में। बायोटिक फैक्टर्स में लाइफ इन्वॉल्व होती है। इसमें क्या आता है, प्रे, कंपटीशन, प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट। तो प्रे मतलब होता है कि, मतलब कि शिकार हुआ, मतलब किसी शिकार किया हुआ। ठीक है, और कॉम्पिटिशन का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कॉम्पिटिशन हो, वो भी बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, प्रीडेटर्स का मतलब क्या होता है कि जिसका, मतलब कि शिकारी। प्रे मतलब होता है शिकार हुआ, जिसका शिकार हुआ हो, और प्रीडेटर्स मतलब होता है शिकारी। ठीक है, एंड पैरासाइट का मतलब होता है, पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर्स में लाइफ इन्वॉल्व होते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स में लाइफ इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ये टर्म्स हैं, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम्स, बायोम्स, बायोस्फीयर, ये जितने भी टर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इकोलॉजी और बायो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के टर्म्स से अगर आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या होता है? तो इंडिविजुअल जो होता है कोई एक, जैसे कि बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ अ इंडिविजुअल सिंगल प्लांट, इंसेक्ट और वर्ड्स, एग्जांपल 1A, ठीक है। तो इसमें जो होता है, जो कोई भी मतलब कि सिंगल प्लांट हुआ, चाहे कोई एनिमल्स हुआ, कोई इंसेक्ट हुआ, मतलब किसी कोई एक, ठीक है, कोई एक मान लीजिए कोई एक डॉग है तो उसको क्या कहेंगे हम? इंडिविजुअल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन किसे कहेंगे? पॉपुलेशन आर कलेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज विथ एरिया और रीजन्स। तो पॉपुलेशन के अंदर जो भी इंडिविजुअल है उसका ग्रुप एक ही स्पीसीज होना चाहिए और एक ही एरिया में रहना चाहिए, तो अब तब हम क्या कहते हैं उसको? पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक डॉग था, अभी इनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। कम्युनिटी, कम्युनिटी डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग टुगेदर इन ए एरिया, एग्जांपल A, B, C, D जो भी है, ठीक है। तो ग्रुप ए मतलब कि जो है वो डॉग की है, ग्रुप बी जो है वो किसकी है? कैट की है, यू ह्यूमन की है, किसी का भी मान लीजिए। कि मतलब कि जो पॉपुलेशन जो होता है वो क्या करता है, बहुत सारे पॉपुलेशन मिलकर कोई एक, जैसे कि बहुत सारे पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाते हैं? कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई ए है, मतलब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि बहुत सारे पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं। मान लीजिए ए है तो ये डॉग की डॉग की पॉपुलेशन हो गई, ये बी का जो है ये कैट की हो गई, ये सी का है, ये डी का मतलब कि ह्यूमन की हो गई, बर्ड्स की हो गई, कुछ भी हो गया। तो ये ग्रुप ऑफ, जैसे कि एक ही एरिया के अंदर जब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन रहती है तो उसमें रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम क्या किसे कहेंगे? कलेक्शन ऑफ बोथ कम्युनिटी एंड ए बायोटिक फैक्टर इन ए सर्टेन एरिया, ठीक है। इकोसिस्टम किसे कहेंगे? ए बायोटिक फैक्टर्स और ग्रुप ऑफ कम्युनिटी मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम्स बनाते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ कम्युनिटी और एबायोटिक फैक्टर्स मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं सर्टेन एरिया में, ठीक है। बायोम्स किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहेंगे? बायोम्स कहेंगे, ठीक है। बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? बायोम्स बनाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बायोम्स मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे बायोम्स मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं जो ग्लोबल होता है, मतलब कि पूरा ब्रह्मांड होता है, ठीक है। तो बायोम्स जो होता है ये सेम क्लाइमेट कंडीशन को रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? बायोम्स कहेंगे। उसके बाद बायोम्स मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं जो पूरा ग्लोबल होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो इंडिविजुअल होता है, सॉरी, जो बायोस्फीयर जो होता है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ हैरिटी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। जो इंडिविजुअल होता है, जो जैसे कि ये इंडिविजुअल है, ये बायोस्फीयर है, तो ये जो बायोस्फीयर है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ हैरिटी होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, ये लोअर्स लेवल ऑफ हैरिटी होता है, लोअर्स लेवल ऑफ हैरिटी होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ये लोअर होता है, ये हाईएस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। हमने एक चीज़ देखी थी, पॉपुलेशन के अंदर जो भी इंडिविजुअल है उसका ग्रुप एक ही स्पीसीज का होना चाहिए और एक ही एरिया में रहना चाहिए, तब हम वह पॉपुलेशन होता है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि वो पॉपुलेशन है। तो स्पीसीज क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तो पॉपुलेशन जो स्पीसीज जो होता है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। मान लीजिए ऑर्गेनिज्म ए है और ये ऑर्गेनिज्म बी है, ये ऑर्गेनिज्म ए है, ये ऑर्गेनिज्म बी है, ये क्या कर सके? आपस में इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके।
तो ये दोनों एक ही स्पीसीज के होंगे। सो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटरप्रेट कर सके, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस भी कर सके आपस में, तो क्या बोलेंगे हम, ये स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ये इसकी नोट्स हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।